कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ, मेरे को कोई मौका नहीं लग पा रहा है। अच्छा, तो कुछ ऐसी पूजा पाठ बता दो मेरे को कि जो वो काम हो जाए जो मैं चाह रही हूँ, जिस तरह से। सही, बैठो बैठो पंडित जी, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई नहीं, बैठो पंडित जी, बैठो बैठो, जाने नहीं दूंगी मैं आपको। किसलिए बुलाया इनको? बुलाया था, क्या बात हुई थी तो वहाँ पे गुनगुन के बारे में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो कह रहे मैं तुम्हें बता देता हूँ, मिलके मुझे बता दो। गुनगुन के लिए बुलाया है, राधिका पे टोना टाटका करने के लिए? राधिका, अरे आ जाओ पंडित जी, तुम्हारे इंतजार हो रहा था, आ जाओ आ जाओ। राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं? बस बढ़िया, बहुत टाइम लगा दिया, तुम्हारे इंतजार कर रही थी, वो लोग गए हुए हैं खामा खा कोई। अब आप जानती हो समय तो थोड़ा बहुत लग ही रहता है, अब आप सोच रहे हो एकदम आ जाएंगे, वो तो संभव नहीं है ना। मैं वही बात कह रही थी कि क्या नाम है, जो तुमने मेरे को जो पुड़िया दी थी, हाँ जी हाँ जी, वो तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ, मेरे को कोई मौका नहीं लग पा रहा है। अच्छा अच्छा, तो कुछ ऐसी पूजा पाठ बता दो मेरे को कि जो वो काम हो जाए जो मैं चाह रही हूँ, जिस तरह से चीज़ का। आप इतनी सी चीज़ नहीं कर पा रही, तो बताओ हम आपको फिर क्या बताएं? तो पूजा पाठ तो हम देखो, पूजा तो हम करते ही हैं सुबह शाम, तो पूजा में तो कोई बात नहीं होती ना, किसी को कोई शक होगा ना कुछ होगा, तो आप मेरे को पूजा पाठ के जरिए कुछ अगर बता सकते हैं तो वो बता दीजिए। देखिए हमने आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताई थी, अगर आप बच्चे को पानी वगैरह देती हो तो उसमें भी आप मिक्स करके दे सकती हो। देखो यहाँ एक होते हैं मैं और वो अकेले हैं या मौका मिले, लेकिन जब कोई मौका ही नहीं है, अब अगर मौका है तो अब समर नहीं है तो मैं करूँगी क्या, कैसे दूँ? तो आप भी समझ रहे हो, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। देखिए माता जी आपको खुद करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप मेरे को पूजा पाठ वाला कुछ बता दो ना, अभी आपको पूजा पाठ, क्योंकि पूजा में तो मेरे को टाइम लगता है, तो ये भी पता, तो उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, पूजा तो पूजा पाठ में समय लगता है, लेकिन उसमें खर्चा बहुत है, फिर आप खर्चे के लिए फिर आप कहोगे। तो कोई ऐसे मंत्र वंत्र हो कुछ भी ऐसा, वो संभव नहीं है, हम आपको बता रहे हैं वो सब चीजें नहीं हो सकती, आपको बच्चे को अपने समर को करना पड़ेगा इस तरीके से, हम आपको बिना उसके बता रहे हैं तो भी आप नहीं कर पा रही हो। अरे मैं तो यही इसीलिए करवा रही, मेरी बात सुन ले, समझे सब कुछ, पर वही वाली बात है मैं क्या करूँ, और मेरे को मौका ही नहीं लग पा रहा, नहीं तो मैं बेबस हूँ, नहीं तो मैं एक बात बता दो, मैं यहाँ आई हूँ, मैंने इतनी बातें हो गई हैं मेरे साथ में इन लोगों की, मैं फिर भी चुप करके पड़ी हूँ, मेरा मतलब निकल जाए। से तो आप दे सकते हो ना? मैंने पंडित जी हर तरह से कोशिश कर ली, नहीं हो पा रहा मेरे से, मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, और मैं कलेश भी नहीं चाहती, मैं करूँ तो करूँ क्या? कलेश आप चाहती नहीं हो और कर पा नहीं रही हो, आप बताओ हम क्या करें? पूजा पाठ में भी आपको बता देंगे उसमें खर्चा ज़्यादा, फिर आप उसके लिए फिर आप कहोगे पंडित जी आप इतना पैसा मांग रहे हो, तो आप कम से कम हमारी बात तो आप समझिए कम से कम। तो फिर क्या करूँ मेरे को? अभी कोई बात होती है आपके सुपुत्र जो है ना हमें फिर मारपीट करेंगे, हड्डियाँ तो हमारी टूटेंगी ना, आप समझो तो सही हमारी दिक्कत। फिर क्या कुछ ऐसा भी बताओ ना कि काम भी निकल जाए और नुकसान भी किसी का ना हो। आपका बच्चा अच्छा तो कहीं नहीं आ रहा है? नहीं नहीं अभी तो कोई नहीं आ रहा, अभी तो सब बाहर है, वो ड्यूटी पे है, अपना काम से बाहर गया हुआ, और वो दोनों मार्केट गई हैं माँ बेटी, इसमें अकेली हूँ तो हमारे ऊपर शुरू हो जाएंगी फिर वो। अरे आप पंडित जी मेरे को जल्दी जल्दी टाइम ही क्यों लगा रहे हो, आप इतना बातों में इतना टाइम वो कर रहे हो, आप मेरे को बताओ ना कुछ हो सकता है तो। मंत्र मैं आपको बताता हूँ, दो मंत्र बताऊँगा, उनको अगर आप अच्छे से कर सकती हो, एक तो देखिए उच्चारण एकदम सही होना चाहिए, उच्चारण अगर आपका एकदम सही है तब तो मंत्र फलीभूत होता है, ठीक है, और अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो फलीभूत बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं उच्चारण तो मैं कर लूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पूजा। अभी आपको मालूम है क्या समय चल रहा है मेरे को? आप है ना एक कागज पे लिख के या लिखा हुआ हो तो मेरे को पकड़ा दीजिए। एक काम करते हैं आप हमारे लिए पहले कलम मंगवा दीजिए, कलम और कागज। हम कलम कागज किसे, या तो मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ठीक है? हाँ। लेकिन आप उसको एकदम क्लियर बोलेंगी, वो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप बोले तो आप हमें एक बार को वो जो व्हाट्सएप पे होता है क्या बोलते हैं अंग्रेजी में वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, तो उसको हम समझ जाएंगे आपका क्लियर, आपका उच्चारण कितना सही आ रहा है, ठीक है? क्योंकि वो तभी फलीभूत होगा, हम आपको अभी भी कई बार। और ये मेरे को सब बता देना कितनी बार पढ़ना है, वो किस मैं आपको तरह से? सब लिख करके दे दूंगा। हाँ। जो मैं मंत्र आपको दूंगा उसको कम से कम 108 बार बोलना है, ठीक है? समझ गई आप? 108 बार दो मंत्र देंगे, वो हम आपको व्हाट्सएप पर डाल देंगे, ठीक है? लेकिन एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है? नहाने धोने के बाद आप उसकी चिंता मत करो, बालों में तेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छा, ठीक है ना? नहाने धोने के बाद ही आप करेंगे उसे, और बिना श्रृंगार के, यानी आप श्रृंगार करके बैठ लेंगे, ठीक है? भगवान को आप कोई वो नहीं कर रही हैं, मोहित, वो क्या बोलते हैं, सम्मोहित, सम्मोहित नहीं कर रही हैं। हाँ मैं समझ गई, एकदम सही होना चाहिए। ये पंडित जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? रुको रुको रुको, बैठो तो सही, बैठो बैठो पंडित जी, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई नहीं, बैठो पंडित जी, बैठो बैठो, जाने नहीं दूंगी मैं आपको।
किसने बुलाया इनको? बुलाया था क्या, बात हुई थी तो वहाँ पे गुनगुन के बारे में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो कह रहे मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे बता दो। गुनगुन के लिए बुलाया है, राधिका पे टोना टाटका करने के लिए? राधिका के लिए क्यों बुलाऊंगी, भगवान अच्छा भला सब कुछ दोनों के बीच में चल रहा है, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा मैं राधिका के लिए क्यों बुलाऊंगी, देखो दोनों सारी कहानी मैं जानती हूँ आपको। अरे आप माता जी बिल्कुल गलत नहीं, कैसे हम आपको समझा, बिल्कुल मैं गुनगुन के लिए पूछो, हम मुझसे बात कर लो, मैं गुनगुन के लिए क्यों बुलाया, मैंने इसलिए बुलाया है कि गुनगुन के दिमाग से समर की बातें बिल्कुल निकल जाए, ये मैं चाह रही हूँ। ये लग रहा है आपको निकलवा देंगे, तो मैंने उसी के लिए बुलाया, जब ये किसी के दिमाग में कुछ बातें दूसरे के खिलाफ डाल सकते हैं ना, तो निकलवा भी सकते हैं, तो मैंने इन दोनों के अच्छे के लिए ही इसलिए बुलाया इनको कि मैं यहाँ हूँ, मेरे को बता दो ताकि उससे पीछा छूटे, समर का बिल्कुल उधर की तरफ ना जाए। चाल चल रही हूँ ना इनके साथ मिलके, मैं बार बार बोल रही हूँ तुम्हें मेरी हर बात, हाँ तो जब ही बोलना ना, मैं घर खराब नहीं कर रही, मैं दोनों का घर यही कि अच्छे से बस जाए, मैंने यही बोला है कि फैमिली भी आगे बढ़े इनकी, घर भी अच्छे से बस जाए, उन दोनों के दिमाग में ना इसके दिमाग में उसकी बात रहे, ना उसके दिमाग में इसकी बात रहे। समझाती ना गुनगुन को, यहाँ इसको बुला के क्या करना था आपको? अरे आपके बीच का मसला आप लोग निपटो ना, हम तो नहीं नहीं पंडित जी, मैं अब आपको जाने नहीं दूंगी, अभी मैं समर को बुलाऊंगी, अभी समर को बुलाती हूँ, दिखाती हूँ समर को सब कुछ। तो समर को बुला, समर को बुलाओगी, समर को बुला लो, बेशक जो बात है वो बात है, इनसे इसीलिए तो बुलाया है। आपका कुछ भरोसा नहीं है क्या, मिलकर कर एक बात बताओ, अगर मेरे दिमाग में या मेरे भरोसे की बात कर रहे हो तो मैं बाहर भी तो जाके मिल सकती थी, मुझे कोई रोक टोक थोड़ी है, वो मैंने तो इसीलिए घर बुलाया कि चलो तुम्हारे सामने पकड़ लिया, आपको पता था कि घर में कोई है नहीं, मैं अचानक आ गई। देखो राधिका की मम्मी, तुम बात सुनना और समझना नहीं चाहती हो, अगर मेरे को कुछ करना होता तो मैं बाहर जाके भी मिल सकती थी, घर में तो क्यों बुलाया है मैंने इसीलिए, आपको लगा कि मैं घर पे मिल लेती हूँ, अच्छा मौका, तो मुझे भी तो क्यों जी सही सही बता दो, क्या करने आए हो यहाँ पे भाई, हम कुछ करने नहीं आए माता जी, हमसे गलती हो गई यहाँ पे आकर के, आप हर बार गलती करते रहते हो, अरे हर बार गलती करते हो, गलती हो गई, आपने बुलाया क्यों, आप वो समर को बुलाने के लिए पंडित जी, एक बार डरू तो मैं, जब ना जब मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं तो इसीलिए बुलाया कि चलो कोई, अगर आप ही जाएंगे तो कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, वो तो ऐसे कुछ कर रही है, कोई पुड़िया उड़िया तो नहीं दिया, अरे भाई कोई पुड़िया नहीं दिया माता जी, हमें जाना तो हमसे बहुत बड़ी, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए यहाँ पे आकर के, बताया तो है मैं और क्या बता रही हूँ, कोशिश किए गुनगुन की बात याद हो रही है, इसीलिए हो रही है गुनगुन की बात, समर के दिमाग में से गुनगुन की बातें निकले, गुनगुन के दिमाग में से समर की बात, गुनगुन की बातें सारी निकल चुकी हैं, नहीं निकलती, नहीं निकली हुई है क्या, तो मैं जानती नहीं हूँ, जब मैं वहाँ रह रही हूँ तो गुनगुन कितना इसके बारे में बोलती रहती है, मैं यही चाह रही हूँ, गुनगुन का कोई चक्कर है यहाँ पे, अरे चक्कर खत्म भैया, मेरे को चक्कर खत्म करवाना है, क्यों नहीं सर, तुम नहीं चाहती हो तो वही, तो वहाँ इसलिए नहीं खत्म करवाया कि ध्रुव है वहाँ पे, वो सब है, वो नहीं करने देंगे उस बात को, क्योंकि नहीं, क्योंकि क्योंकि ध्रुव की माँ चाहती है, आपको छोड़ूंगी नहीं मैं, तो भाई हमें जाने दीजिए, क्यों जाने दूं, हमारा समय बहुत बहुमूल्य है, आप किसी का किसी के घर में कैसे आ गए जब अकेले घर को देख के आए हो, हैं जादू टोना, अरे मैंने बुलाया है, उन्होंने हमको बुलाया है, मैंने बुलाया है तो बुला लो, मैं गलत हूँ तो बुला लो, मेरे को इतना डर नहीं लग रहा है, हाँ तो रुकी रहो ना, मेरे को आने का भी तुम्हारा कोई डर नहीं है, तुम आ गई हो तो मैं गलत नहीं हूँ अपनी जगह, मुझे कोई डर नहीं है इस चीज का, आपको तो लगा था हम रात को आएंगे, अचानक मेरी तबीयत खराब, ऐसा कुछ कोई भी आ सकता है भैया, घर खुला हुआ है, तुमने नहीं आए हो आप यहाँ पे, सही सही बता रही हूँ, अरे मैं बोल तो रही हूँ, कुछ तो बताओ आप इनको, मैं बोल तो रही हूँ, अगर ऐसी बात होती तो गेट क्यों खुला होता, एक बात बताओ, अगर गेट मैं अलर्ट नहीं हो जाते, गेट खटखटाते तो, मैं समर को फोन करके, अब समर आ रहा है, अभी समर बताएगा, आप जाओगे नहीं, एक रुक जाओ पहले, मैं एक बार, अरे हम नहीं जा रहे माता जी, यहीं बैठे भैया, हद कर रहे हो, जब मैं कह रही हूँ मेरी बात को तुम विश्वास ही नहीं करती हो किसी भी चीज़ के, जी को आराम से बुला, कोई दिक्कत नहीं, बैठो यहीं पे बैठो, जाओगे नहीं आप, अरे कहीं जा रहा हूँ, भाग गए ना, कोई बात नहीं, रुक जाओ, अभी समर को आने दो, हाँ बुला लो समर को, बुला लो, जाएगा नहीं, बुला लो।